विश्वविद्यालय के लंबित संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह करने कांग्रेस के चार मंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने पिछले दिनों राजभवन पहुंचे हुए थे, जिसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी शामिल थे। जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यहां ट्वीट किया है कि विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाना इस अहंकारी सरकार द्वारा निंदनीय कृत्य है। साथ ही ये भी कहा कि भूपेश बघेल सत्ता के अहंकार में संविधान की गरिमा मत भूलिए, जिस पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी तीखा हमला बोला है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राज्यपाल से मंत्रियों के मिलने से भी रमन सिंह को परेशानी हो रही है। क्या ये भाजपा चाहती है राज्यपाल से सरकार के मंत्री ना मिलें, या भाजपा ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ की कोई भी बात राज्यपाल तक ना पहुंचाई जाए। रमन सिंह ने 15 साल तक जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को चलाया, उससे पूरा छत्तीसगढ़ त्रस्त हो गया था और भाजपा को 15 सीटों पर पहुंचना पड़ा। राज्यपाल से मंत्रियों का मिलना, इसमें भी रमन सिंह जी को परेशानी। हमारे रविन चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और उमेश पटेल जी जैसे जिम्मेदार मंत्री गए थे, पूरे सम्मान से राज्यपाल जी से बात की गई, संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। इसमें रमन सिंह जी को क्यों तकलीफ हो रही है, भाजपा को क्यों तकलीफ हो रही है? क्या भाजपा यह चाहती है कि राज्यपाल से सरकार के मंत्री न मिले, या भाजपा ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ की कोई बात राज्यपाल तक न पहुंचाई जाए? रमन सिंह जी ने 15 वर्ष तक जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को चलाया, पूरा छत्तीसगढ़ उससे त्रस्त हो गया था और भाजपा को 15 सीटों पर पहुंचना पड़ा। रमन सिंह जी जैसा हम नहीं चलाने वाले हैं।